गैस, अपने पिछले वीडियोस में हमने स्यूडो सेलेक्टर्स के बारे में देखा और हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा कि किस तरह कौन सा सेलेक्टर काम करता है। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कुछ और स्यूडो सेलेक्टर्स के बारे में और वो आप लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएंगे जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ पर tut32.html मैं करूँगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं डाल दूँगा एक टेम्पलेट जो हमारी बॉयलर प्लेट है HTML की, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा एट्रीब्यूट एंड nth चाइल्ड स्यूडो सेलेक्टर्स। ठीक है, तो मैं ये कर दूंगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कुछ मार्कअप बना लूँगा। और सबसे पहले लाइव चला जाता हूँ मैं गो लाइव पर क्लिक करके, और गो लाइव पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर मैं लाइव जा चुका हूँ। अब गाइस, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ एक्सेस कर लो, क्योंकि मुझे अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया है, काश आपने शुरू से बताया होता। तो प्लीज़ मैंने बताया है शुरू से, इसको एक्सेस कर लो प्लेलिस्ट को, यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लो, यहाँ क्लिक करके सेव कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर मैं आऊँगा वापस से बॉडी में, थोड़ी मार्कअप डालूंगा, डिव डॉट कंटेनर लिखूंगा, और मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो चीज़ है ये आप लोगों को आती है अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर li डॉट आइटम करूँगा और इसको मैं आईडी दे दूँगा आइटम डॉलर मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा, आइटम डॉलर मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ और 5 आइटम बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आइटम 1 करता हूँ, फिर आइटम 2 करूँगा, फिर आइटम 3 करूँगा, फिर आइटम 4 करूँगा और उसी के साथ साथ आइटम 5 करूँगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, एक फॉर्म लगाऊंगा, फॉर्म लिख दूंगा, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू नहीं मालूम क्या, एक मिनट, फॉर्म डॉट फॉर्म कंट्रोल, एक क्लास लगा दी मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं किया, एक क्लास लगा दी बस, और इनपुट लग दिया टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम। और मैं मार्कअप एंटर करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, और एंटर योर नेम के बाद एक टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड रख देता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, सेव किया इसको, फिर इनपुट सबमिट करूँगा, इनपुट सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट का इनपुट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, और एक बहुत ही घटिया सा फॉर्म हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़िया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे। यहाँ पर आऊँगा, स्टाइल लिखूँगा ताकि मैं CSS ऐड कर सकूँ, और स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ उस इनपुट को जिसका टाइप टेक्स्ट है। अब इस बात को सुनना ध्यान से, जिसका टाइप टेक्स्ट है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनपुट को क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक करूँगा तो देखो क्या होगा, ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि जो कंटेनर है मेरा, कंटेनर है उसको अगर मान लो मैंने कुछ पैडिंग देनी है, या मार्जिन दूंगा, पैडिंग नहीं, मार्जिन दूंगा, 34 पिक्सल 23 पिक्सल। अब आप कहेंगे ये दो नंबर कहाँ से आए, ये दो नंबर एकदम रैंडम है, मैंने बनाए हैं अभी बैठ के यहाँ पर, तो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, अब ये देखो कंटेनर है, अगर मैं इसकी डिस्प्ले कर दूँ कंटेनर की इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले कर दूँ इनलाइन ब्लॉक, विड्थ इसकी सेट कर दूँ मान लो 233 पिक्सल, और मार्जिन कर दूँ ऑटो, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंटेनर है इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले तो उसकी डिस्प्ले कर दी इनलाइन ब्लॉक, विड्थ इसकी कर दी मैंने 233 पिक्सल, और मैंने मार्जिन कर दी इसकी ऑटो। तो मार्जिन जैसे ही मैं ऑटो करूँगा इसकी, तो ये सेंटर नहीं हुआ क्योंकि सेंटर करने के लिए मुझे इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि अगर हम किसी ब्लॉक एलिमेंट को सेंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी विड्थ सेट करेंगे और मार्जिन ऑटो कर देंगे तो वो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने कंटेनर की डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगा, विड्थ उसकी सेट कर दूँगा, और उसी के साथ साथ क्या करूँगा, इसको सेव करके मार्जिन हटा देता हूँ भी यहाँ से, मैंने सेंटर कर लिया इसको, मैं इसको बंद करता हूँ कंसोल को अपने, और ये देखो यहाँ पर मुझे मिल गया है फॉर्म। ठीक है, चलो फॉर्म की बात तो हो गई, यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ अपने सिर्फ उस इनपुट को जिसका टाइप टेक्स्ट है, तो वो मैं कैसे करूँगा ज़रा ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक स्यूडो सेलेक्टर इस्तेमाल करूँगा, और मैं लिखूँगा इनपुट कुछ इस तरह से, मैं लिख दूँगा कुछ इस तरह से, इनपुट लिखा मैंने, खोला इसको, लिख दूँगा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, देखना क्या करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पैडिंग कर दूँगा 23 पिक्सल, और बॉर्डर कर दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और जैसे ही मैं ये करूँगा यहाँ पर देखो सिर्फ जो मेरा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है उस पर ये प्रॉपर्टी लागू हो गई। अब मुझे मालूम है ये फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है और मैंने इसको अच्छा बनाना भी नहीं था, मुझे बस आपको बतानी थी ये प्रॉपर्टी, ये स्यूडो सेलेक्टर के बारे में बताना था जो कि एक एट्रीब्यूट को टारगेट करके आप कर सकते हैं।
अब मान लो यहाँ पर मैं एक इनपुट डालता, ठीक है, मान लो मैं H1 डालता, H1 के अंदर मैं एक एंकर टैग डालता, और यहाँ पर ए एच रेफ, उप्स, ए लिंक मुझे लिखना था, ए और ए लिंक शायद ये है, हाँ, एच रेफ इज इक्वल टू google.com, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ गो टू गूगल, सेव किया और देखो गो टू गूगल। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि जो गूगल है वो मेरी नई टैब में खुले, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे मैं ये करूँगा, गूगल पे क्लिक करूँगा, तो ये गूगल नई टैब में खुलेगा। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ एक ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करना, एक ऐसे एंकर को सेलेक्ट करना जिसका टारगेट सेट है, तो मैं क्या करूँगा उसको इस तरह से कर सकता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फॉन्ट साइज़ एक तो बढ़ा देता हूँ, 34 पिक्सल कर देता हूँ, उसी के साथ साथ क्या करूँगा कलर कर दूंगा, मान लो क्या करूँ वायलेट कर देता हूँ, ठीक है, सेव। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका कलर वायलेट हो गया, उसका फॉन्ट साइज़ जो मैंने बोला था वो सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 64 कर देता हूँ, पता है बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, बट अगेन ठीक है, वापस से इसको 44 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये लागू हो गई मेरे उस एंकर टैग में जिसमें टारगेट सेट है, जिसमें क्या है, जिसमें टारगेट सेट है। अब अगर ये टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक मैं यहाँ से हटा दूँ, तो ये देखो ये प्रॉपर्टी इस पर लागू नहीं हो रही है अब, लेकिन अगर मैं इस तरह कर दूँ इसको लगा दूँ, तो ये देखो प्रॉपर्टी लागू हो रही है, क्योंकि ये CSS ट्रिगर तभी होगी जब टारगेट हमारा यहाँ पर ए में मौजूद होगा। अगर एक दूसरा एंकर टैग है जिसमें ये मौजूद नहीं है, तो ये बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने एक नया बनाया लिंक यहाँ पर, मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करूँगा, और यहाँ पर मैं गूगल की जगह फेसबुक लिख दूंगा। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया था बट लगता है मैंने छोड़ दिया बटन दबाने से पहले, कोई बात नहीं, फेसबुक मैं इस तरह लिख दूंगा। वैसे आप ऑल्ट दबा के यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर मल्टी कर्सर आप यूज़ कर सकते हैं, एनीवेज आप कर लेना वो सब। अब मान लो मैंने अंडरस्कोर सेल्फ करा इसको, जो कि एक टारगेट होता है, तब भी ये काम करेगा, देखो दोनों में ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने टारगेट हटा दिया यहाँ से, तो ये देखो काम नहीं कर रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जो टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ है उसके लिए एक दूसरी CSS ट्रिगर हो जाए, तो मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। मान लो मैं करना चाहता हूँ इसका जो कलर है कुछ ब्लूइश रख देता हूँ, कुछ ऐसा कलर रख देता हूँ, सेव किया मैंने, ये देखो गो टू फेसबुक, तो गो टू गूगल, गो टू फेसबुक, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसका यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ था वो 44 पिक्सल ही रखा है, मैं अगर मान लो इसको छोटा करना चाहता हूँ 14 पिक्सल, और कलर मैंने कुछ ब्लूइश रखा है, तो वो मैं यहाँ पर लागू कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं एट्रीब्यूट के हिसाब से अपने जो CSS में सेलेक्टर्स हैं उनको ले सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मुझे कुछ ऐसा सिलेक्शन करना है, मान लो मुझे ये सेलेक्ट करना है एक एंकर टैग जिसका टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ है या अंडरस्कोर ब्लैंक है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा हमारे स्यूडो सेलेक्टर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टारगेट स्पेसिफिक जो स्यूडो सेलेक्टर मैंने बताया। अब आप लोग इसी तरह कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इनपुट लिख सकते हैं आप लोग, फिर लिख सकते हैं टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अब जैसे मान लो फॉर सम रीज़न मैं कलर इसका येल्लो कर देता हूँ, मुझे पता है येल्लो कलर अच्छा नहीं लगेगा, बट अगेन मान लो मैं करना चाहता हूँ, और मान लो मैं बॉर्डर करना चाहता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और मैं यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर एक ईमेल ऐड करूं और एंटर योर ईमेल कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा देखना। ये देखो एंटर योर ईमेल वाले पे बॉर्डर आ गया, और जो जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी वो आ गई। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, टाइप इज इक्वल टू ईमेल पे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट पे, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड पे भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी रहेगी, आप जो भी चाहें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के हिसाब से अपना इनपुट या फिर कोई भी टैग है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है हमारा nth child pseudo selector। अब जैसे मान लो मैं li को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह लिख दूंगा li nth child और 3 कर दूँ, और अगर मैं यहाँ पर कलर करूँ फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूँ cyan करना, मान लो बहुत अजीब सा कलर है बट अगेन मान लेते हैं, तो ये देखो तीसरा एलिमेंट यहाँ पर cyan हो गया। मैं थोड़े से एलिमेंट्स बढ़ा देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको 6 कर देता हूँ, और इसको 7 कर देता हूँ, और इसको 8 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए लाइफ में, बिना मेहनत के तो ज़िंदगी जो है एकदम बेकार है। 9, इसके बाद यहाँ पर भी 9, अब यहाँ पर 10, आई थिंक 10 तक ठीक है यार, 10 तक मैं रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारा एल आई एंथ चाइल्ड 3 है वो मेरा तीसरा वाला जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेगा और उस पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो मेरा तीसरा वाला आइटम है उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। अब ये पोजीशन नंबर 3 पर मेरी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस विल चेंज चेंज दी दिस विल अप्लाई सी एस एस फॉर थर्ड चाइल्ड। ठीक है, तो तीसरा वाला जो चाइल्ड है उस पर ही ये सिर्फ सी एस एस लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड चाइल्ड पर इसने सी एस एस लगा दी। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ हर तीसरे चाइल्ड पर लगा दे या हर दूसरे पे लगाना चाहता हूँ मान लो, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 3n 2n और उसके बाद लिख दूंगा प्लस 0। और 2n प्लस 0 का मतलब है कि हर दूसरे एलिमेंट पर कलर मान लो मैं रेड करना चाहता हूँ, तो ये देखो हर दूसरे पर कलर रेड हो गया, ये देखो कलर रेड हो गया। तो इस तरह से मैं हर दूसरे पर कलर रेड कर दूंगा। अब यहाँ पर आइटम 5 दो बार लिख दिया मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो हर दूसरे पर कलर रेड हो गया, यानी कि इवन वाले में कलर रेड कर दिया मैंने। तो ये है हमारा किस तरह हम लोग हर दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक से स्टार्ट करते हुए फॉर्मूला भर रहा है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 3n प्लस 1 भी कर देता हूँ ना, या 3n प्लस 3 कर देता हूँ, तो क्या होगा 3n प्लस 3 करके मैं इन दोनों को हटा देता हूँ भी, तो सबसे पहले तो ये n इज इक्वल टू 0 के लिए इसको रन करेगा, यानी कि जो थर्ड वाला आइटम है मेरा वो लाल हो जाएगा। तो ये देखो आइटम 3 लाल हो गया मेरा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, n इज इक्वल टू 1 रखेगा, 1 रखूंगा तो 3 और 3 6 होता है, अगर 2 रखूंगा 3 टू 6 6 3 9 होता है, तो ये 9th वाले को लाल कर दिया इसने। तो बेसिकली ये इसी तरह से फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 0 से भरना चालू करता है। अब अगर ये वैल्यू 0 में वैल्यूएट हो जाती है तो कुछ नहीं होता है किसी एलिमेंट को। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर अगर हम ऑड और इवन चाइल्ड लेना चाहते हैं, तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ ऑड चाइल्ड तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, एल आई लिखूँगा और उसके बाद मैं लिख दूंगा एंथ चाइल्ड और यहाँ पर सिंपली ऑड लिख दूंगा। और जैसे ही मैं ये करूँगा और मैं मान लो कलर करना चाहता हूँ, इस बार मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा येल्लो दूंगा, बहुत ही घटिया होता है क्योंकि येल्लो डर्टी फैलो, कंट्रोल डी। और बहुत ही ऑब्वियस चीज़ ये है कि इवन भी होगा जब ऑड है, तो सबसे पहले एक एक करके चलाते हैं इनको, जल्दीबाजी नहीं करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये इसने पहले ऑड को सबको बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब अगर मैं इवन को देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, तो मैं इसको कमेंट करके, ये देखो इसने इवन को दे दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है ये आप एक्सेस करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, सारे कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप लोग एक्सेस कर लिया करो यार जब मैं लिंक देता हूँ आप लोगों को, और इस कोड को पढ़ पढ़ के सीखो। मैं कमेंट ये सारे आपके लिए ही लिखता हूँ ताकि आप लोग इसको सीख कर देख कर सीखो, और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस करना तो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मानता ही मानता हूँ। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अभी तक, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है। ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा और इससे आप लोग देखकर रेफ़र कर सकते हैं, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाता है, तो वो भी कर लिया करो एक बार आप, अगर मैं भूल जाता हूँ तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको एक्सेस ज़रूर कर लेना और सोर्स कोड भी डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.